हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ भिंडी दो प्याजा की। काफी डिलीशियस लगता है, बहुत आसान है बनाना इसे। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये सिर्फ दो मसालों से ही बनेगी, दो मसालों से ही ये काफी अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी का। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो भिंडी, मीडियम साइज का है ये भिंडी, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और इसके पानी को मैंने निकाल लिया, मतलब बहुत अच्छे से इसका, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे। और चूंकि मेरा भिंडी ये मीडियम साइज का है, इसलिए इसके हम दो टुकड़े कर रहे हैं। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा लंबी है तो बड़े बड़े टुकड़ों में दो या तीन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारे भिंडी काट लिए, उसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे दो प्याज लेंगे। पहले टोटल चार प्याज का यूज करना है इस रेसिपी में, तो पहले दो प्याज को क्यूब्स में काटेंगे इस तरीके से। आधे को मैंने आधा किया, फिर इस तरह से, और इसके लेयर्स निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ कट करके, इस तरह से लेयर्स निकाल लेंगे और कट कर लेंगे दो प्याज को। तो यहाँ पे मैंने दो प्याज को इस तरीके से कट करके एक प्लेट में रख दिया और इसको भी साइड में रख देंगे। अब दो प्याज को क्या करेंगे, बारीक काटेंगे लंबे शेप में इस तरह से, जैसे नॉर्मली हम लोग काटते हैं बाकी रेसिपीज़ के लिए, वैसे ही लंबे साइज में एकदम बारीक बारीक काटना है, पतले पतले टुकड़े इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ दो प्याज को भी कट करके और साइड में रख दिया। अब फिर क्या करेंगे, दो टमाटर लेंगे और इसके भी काफ़ी पतले पतले स्लाइसेज करेंगे इस तरीके से, मतलब जितना आपसे हो सके पतला करें ताकि इसको गलने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने ये दो टमाटर को भी मैंने कट करके इस तरीके से कट कर लिया। अब इसको भी साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने चार से पाँच हरी मिर्च लिया, मोटे टुकड़ों में कट कर लिया, और यहाँ पे सात आठ कलियाँ करीब लहसुन की, उसको भी लंबे शेप में मैंने कट कर लिया था। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें दो बड़ी चम्मच से तेल ऐड करेंगे। और जैसे ही ये तेल गरम होगा अच्छे से, इसमें हम लोग पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा तेल ऐड करके कढ़ाई में, और इसको भून लेंगे भिंडी को, पहले पका लेंगे, हाफ कुक करना है। तो भिंडी को उतना ही पकाएं जितना कि इसका जो स्किन दिख रहा है हरा वाला, भिंडी का वो हरा वाला पार्ट स्किन इसका, वो थोड़ा कलर चेंज हो जाए, मतलब ब्राउनिश हो जाए। लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुछ देर के लिए भून लें, और इसके बाद इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें भून लेना है। इसके बाद सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, मतलब आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद इसमें अब प्याज ऐड करेंगे, जो हमने क्यूब्स में काटे हैं वो प्याज को यहाँ पे फ्राई कर लेने हैं। तो इसका भी सेम भिंडी के जैसा ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। और बस इसको इतना ही भूनना है, जैसा आप देख सकते हैं। अब कढ़ाई से बाहर इसको भी निकाल लेंगे हल्का सा भून के, और सेम प्लेट में रखेंगे जिसमें भिंडी रखी है, उसी प्लेट में हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, एक चम्मच से थोड़ा, एक या दो चम्मच मैक्सिमम आप कर सकते हैं, दो चम्मच यहाँ पे तेल ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, जैसे ही ये तेल गर्म होगा। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाल देंगे, कुछ पिंचेज, दो तीन पिंचेज मैंने हींग के इसमें ऐड किए। हल्का सा भून लेंगे और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इस जीरा को, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट अच्छा आए। तो जैसे ही वो हल्का सा भून जाएगा जीरा, उसमें ऐड कर देंगे जो लहसुन हमने काट के रखी थी लंबे शेप में, उसको ऐड कर देंगे। इसमें, इस रेसिपी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप यहाँ लहसुन अगर कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो लहसुन को हल्का सा भून लिया मैंने, उसका कलर चेंज हो गया और कच्चापन निकल गया। उसके बाद जो हमने लंबे शेप में प्याज काटे थे दो, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे, और प्याज को खूब लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाए और वो क्वांटिटी में कम नहीं हो जाए, मतलब पक के आधी नहीं हो जाए। जब वो आधी हो गई प्याज, उसके बाद मैंने ऐड किया टमाटर बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च जो हमने काट के रखे थे। तो यहाँ पे मिर्च, हरी मिर्च आप अपने अंदाज से जितना खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं।
तो कम ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे से पका लेने हैं हमें थोड़ी देर ऐसे ही खुला में चलाते हुए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे, मतलब लो टू मीडियम रखें फ्लेम, और इसमें डालेंगे नमक पहले, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, इसलिए नमक मैंने पहले डाला। और इसके बाद ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें, और 3 चम्मच यहाँ पे हम लोग धनिया पाउडर डालेंगे। इस रेसिपी में बस 2 यही मसाले डालेंगे, इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाल दिया मसाला। अब क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे सबको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए, मीडियम फ्लेम रखें यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, और ढक कर करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, ताकि वो बहुत अच्छे से गल जाएँ सब्जियाँ और मसाले भी पक जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला और फिर से इसको चला लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा दबाते रहेंगे, थोड़ा सा मैसी कर लेंगे। वैसे तो ये गल गई है काफ़ी अच्छे से, बट यहाँ थोड़ा सा दबा दबा के चला लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राइड किए थे भिंडी और प्याज, एक साथ दोनों को ऐड करना है, और यहाँ पे फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ भिंडी को, इस तरीके से। फ्लेम को मीडियम रखें, मिक्स हो गया। यहाँ पे फिर थोड़ी रुक रुक के थोड़ा सा फैला दिया, पकने दिया, और थोड़ी देर के बाद फिर से चलाया, फिर से पकने दिया। लेकिन यहाँ पे अब ढकना नहीं है, भिंडी डालने के बाद खुले में ही पकाना है इसको, लगातार चला चला के कुछ कुछ देर के बाद, बीच बीच में चलाते रहें, और इसी तरीके से करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं इसको, जब तक कि भिंडी एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद ये पक गई है सब्जी हमारी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसको कढ़ाई से बाहर सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।